और मेरे सूरवीरों कैसे हो? बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक हैं, तो हम कम समय में ज़्यादा तैयारी कैसे कर सकें जिससे इंग्लिश में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें। तो उसके लिए हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि 10 से 15 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, और पूरी सीरीज आप देखिए, उसमें आपको इंग्लिश के मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के तरीके मिल जाएंगे। और आज हम शुरू करेंगे पोएम से कि स्टेंजा जो आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिखने के लिए। तो पहले तो हम पोएम को पढ़ेंगे डिटेल में, और उसके साथ हम लोगों के लिए एक और चीज़ होगी कि उसके जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप एक काम कीजिए कि सबसे पहले जितने भी आपके लेसन्स हैं उनके नेम और उनके कंपोजर या फिर राइटर जो भी हों उनके नाम याद कर लीजिए। जैसे ये हम पहली पोएम शुरू करते हैं आज, ये है पहला पोएम द फाउंटेन, और इसके राइटर कंपोजर हैं जेम्स रसेल लवेल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, और जहाँ तक पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम हैं इसके स्टेंजास आने की, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं। क्या है? इंटू द सनशाइन, इंटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। मीनिंग जरूर कंप्लीट किए रहिए कि मीनिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो देख लेते हैं क्या है इंटू द सनशाइन। ये सबसे पहली बात तो इसमें एक बात ये जान लेते हैं कि जो कंपोजर है, रचयिता है इस पोएम के, इस कविता के, वो चाहते हैं कि उनके अंदर भी फाउंटेन की क्वालिटीज आ जाएं। तो इसमें देखते हैं इनटू द सनशाइन, मतलब वो कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में, सनशाइन का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य के प्रकाश में फुल ऑफ द लाइट, ये प्रकाश से भरा होता है। क्या फवारे की बात हो रही है? फवारा जो है वो सूर्य के प्रकाश में, धूप में प्रकाश से भरा होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग, लीपिंग का मतलब होता है उछलते हुए, लीपिंग का मतलब होता है उछलते हुए, और फ्लैशिंग का मतलब होता है चमकना यानी शाइनिंग। तो उछलते और चमकते हुए फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न, मॉर्न का मतलब होता है मॉर्निंग, और नाइट का तो रात होता ही है यानी सुबह और रात। तो लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते और चमकते हुए फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से रात तक। तो पूरे का अगर हम भावार्थ देखें तो इसमें ये कहता है कवि कि फवारा सूर्य के प्रकाश में उछलते और चमकते हुए सुबह से शाम तक अपना कार्य जारी रखता है। इसका मतलब कि फवारा जो है वो मेहनती है। तो पहला स्टेंजा समझ में आ गया होगा, तो चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं तो देखिएगा। इस पर पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी जिस कविता से इन पंक्तियों को लिया गया है उसके रचयिता कौन है। तो लिखने के तरीका भी देख लीजिए, सबसे जी पंक्चुएशन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, उसके भी मार्क्स आपको बढ़ के मिलेंगे। अगर आप सही राइटिंग, आप नीट एंड क्लीन, बिल्कुल सफाई, ओवर राइटिंग ना कीजिएगा, ज़्यादा काट पीट नहीं करना है, तो आप सीधे लिखिए। क्वेश्चंस पेपर में सबसे पहली चीज़ आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको सीधा आंसर नंबर डालना है और उसके बाद अपना आंसर लिखना है। तो इस लाइन पहले ही हमने पढ़ लिया था कि इस पोएम के कंपोजर थे जेम्स रसेल लॉवेल। तो लिखेंगे कैसे? दीज लाइन्स हैव बीन रिटन बाय, उसके बाद जो कंपोजर का नाम है उसको हम लिखेंगे ब्लैक पेन से। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो नाम हम चाहे पोएम का नाम लिखेंगे या फिर हम कंपोजर या राइटर का नाम लिखेंगे, उनका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जेम्स का जे कैपिटल, रसल का आर कैपिटल, और लॉवेल का एल कैपिटल, जिस चीज पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो पहला आंसर हो जाएगा दीज लाइन्स हैव बीन रिटन बाय जेम्स रसल लॉवेल, या फिर आप लिख सकते हैं कंपोज्ड बाय जेम्स रसल लॉवेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब इन द अबो लाइन। क्या है कि इन पंक्तियों में कवि क्या वर्णन करता है, इन पंक्तियों में कवि क्या वर्णन करता है। तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि इन पंक्तियों में कवि कहता है कि फवारा सुबह से रात तक उछलता और चमकता रहता है, यानी अपना काम किया करता है। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे? इन दीज लाइन्स, उसके बाद फिर कॉमा लगा देंगे क्योंकि हमने पहले इन पंक्तियों में, तो कॉमा लगा देंगे, उसके बाद द पोएट डिस्क्राइब्स दैट फाउंटेन गोज ऑन लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, यानी सुबह से शाम तक फवारा जो है वो उछलता और चमकता रहता है, यानी अपना काम किया करता है।
चलिए जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थ्री है, हाउ डज द फाउंटेन अपीयर इन द सनशाइन, यानी धूप में फवारा कैसा दिखाई पड़ता है। तो हम पहले पढ़े थे कि धूप में फवारा पहली लाइन में कि इन टू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, कि धूप में प्रकाश, धूप में यह प्रकाश से भरा होता है। तो यही आंसर हम लिखेंगे कि फाउंटेन इज फुल ऑफ लाइट इन सनशाइन। क्लियर है। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। तो इसमें एक क्वेश्चन ये आता है राइम के लिए। तो दो क्वेश्चन तो इसमें फिक्स हैं आपके, एक तो आएगा या तो उस लाइंस के किस पोएम से लिया गया है, या फिर आएगा उस लाइन जो भी दी गई है उसके कंपोजर कौन है, और दूसरा एक क्वेश्चन ये फिक्स है कि राइम वर्ड कौन सा है उस स्टेंजा में। पॉइंट आउट द वर्ड्स विच राइम टुगेदर इन द स्टेंजा। राइम का मतलब होता है तुकांत, यानी लास्ट में जो मिलते हुए अक्षर होते हैं जिनको बोलने में, जैसे पहली लाइन है गया तो दूसरा है आया, तो या मिल रहा है तो इसका मतलब ये राइम है। तो उसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या था, लाइट राइम्स विद नाइट, यानी देखिए लाइट LIGHT NIGHT तो बोलने में एक जैसे हैं, तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे लाइट राइम्स विद नाइट। और लिखने का एक तरीका ये भी देख लीजिए कि लाइट को हमने सिंगल कॉमा के अंदर लिखा और नाइट को भी, इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये दोनों राइम है। तो लिखने का तरीका लाइट राइम्स विद नाइट, तो क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्या है, अगले स्टेंजा पे है, इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। क्या है, इनटू द मून लाइट, मून लाइट का मतलब होता है चंद्रमा के प्रकाश में, यानी इनटू द मून लाइट चंद्रमा के प्रकाश में। अब यहां जो इनटू वर्ड का यूज हो रहा है, इनटू का मतलब होता है में, तो हो जाएगा इनटू द मून लाइट मतलब चंद्रमा के प्रकाश में वाइटर देन स्नो। ये बर्फ से भी देखिए कंपरेटिव डिग्री का वाइटर यूज हुआ है और देन तो कंपरेटिव डिग्री है, यानी बर्फ की तुलना में अधिक सफेद, यानी बर्फ से भी ज्यादा सफेद होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग का मतलब होता है हिलना, सो का मतलब जैसे, फ्लावर लाइक फूल की तरह, यानी ये फूल की तरह हिलता है व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है। तो पूरा देख लेते हैं कि चांदनी प्रकाश में, चांद के प्रकाश में फवारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई पड़ता है, जब तेज हवाएं चलती हैं तो वह फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये रहा स्टेंजा। यहां पर भी देख लीजिए, अगर हम राइम की बात करें तो यहां पर स्नो एंड ब्लो ये मिलते हुए हैं, तो यानी अगर क्वेश्चन आता है तो ये राइम वर्ड्स हैं। चलिए देखते हैं हम आगे क्वेश्चन हमारे क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबो नोटेड लाइंस ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन। क्वेश्चन है कि इन पंक्तियों में क्या है, कि क्वेश्चन इसका बनता है कविता की उपयुक्त पंक्तियां जहां से ली गई हैं उस कविता का नाम क्या है। तो मैंने पहले ही कहा कि ये चीज़ें याद कर लीजिए, कविता पोएम लेसन नेम और उनके राइटर और कंपोजर का नाम। तो इसका लिखेंगे कि दीज अबो लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन। क्या हो जाएगा कि द अबो नोटेड लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन। अब देखिए द फाउंटेन लिखने का तरीका, या ब्लैक पेन से लिखिएगा और सिंगल कॉमा के अंदर, तो इससे एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड वेविंग सजेस्ट, व्हाट इज मीन्ट बाय द वर्ड सो यूज्ड इन द थर्ड लाइन। क्या है क्वेश्चन, ये कहता है कि वेविंग शब्द किस प्रकार की गति को व्यक्त करता है और तीसरी पंक्ति में सो शब्द का क्या अर्थ है। तो हमने जो पोएम पढ़ी थी उसके हिसाब से वेविंग सजेस्ट वेविंग लाइक वेव्स, यानी वेविंग का मतलब है लहरों की तरह, यहाँ पर जो फूल हिलते हैं वो लहरों की तरह हिलते हैं, और उसके बाद सो की मीनिंग होती जैसा, तो द वर्ड सो मीन्स एज, यानी फूलों के जैसा, तो इसो का हो जाएगा एज। तो इसका आंसर एक बार फिर से देख लीजिए, वेविंग सजेस्ट वेविंग लाइक वेव्स, वेव्स लहरों की तरह, एंड द वर्ड सो और सो की मीनिंग हो जाएगी एज, यानी की तरह। उसके बाद आगे देखते हैं, थर्ड पे आते हैं। तो थर्ड, व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन द मून लाइट। क्वेश्चन ये है कि व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन द मून लाइट।
चांदनी रात में फवारे का रंग कैसा होता है? तो चांदनी रात में फवारे का रंग कैसा होता है? बर्फ से भी ज्यादा सफेद, यानी चांदी की तरह। फिर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड इनटू इन द फर्स्ट लाइन? अब देखिए, हम इनटू की बात कर रहे थे तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आ गया कि वो जो पहली पंक्ति में इनटू शब्द का क्या अर्थ है, तो देख लेते हैं। तो पहली लाइन के हिसाब से कि मून इन द मून लाइट द फाउंटेन अपीयर्स टू बी लाइक सिल्वर, हम ये नहीं लिखेंगे कि बर्फ से भी अधिक सफ़ेद। हमको किस तरह बर्फ से भी अधिक सफ़ेद, मतलब चांदी की तरह हमको अपना भाव बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा इन टू द मून लाइट द फाउंटेन अपीयर्स टू बी लाइक सिल्वर। और द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड इन टू इज दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन रिफर्स टू द मून लाइट। और इन टू जो वर्ड यूज किया गया है वो यूज किया गया है किसके, कि जो मून लाइट है चांदनी रात की ओर संकेत करने के लिए इन टू का यूज किया गया है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। इसका लास्ट क्वेश्चन आता है कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। अभी पहले ही बता दिया था कि राइमिंग वर्ड्स क्या है, स्नो एंड ब्लो। तो स्नो सिंगल कॉमा के अंदर देखिए लिखा जाएगा स्नो, और उसके बाद आएगा राइम्स विद, फिर ब्लो, ब्लो को अंडर सिंगल कॉमा के अंदर, उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये रहे दो स्टेंजा जो कि चांसेस हैं इनके बोर्ड एग्जाम में आने के। इसी तरह से हम लोग करके सारे के सारे पढ़ लेंगे, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे क्लियर कर लेंगे, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक बात और कि अगर आपको इन नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, अगर आपने टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आसानी से सारी स्टडी मटेरियल्स आपको अबाउट लगभग सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो या फिर वहाँ पर आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।